नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल, पीजी कॉलेज माछरा। जैसा कि पिछले दो एपिसोड में हमने ऐसी अलंकृत झाड़ियों के बारे में चर्चा की थी जिनमें सफ़ेद और सुगंधित फूल आते हैं, आज के एपिसोड में कुछ ऐसी झाड़ियों के परिचय करेंगे जिनमें रंग बिरंगे फूल आते हैं। तो आइए चलते हैं कि ऐसी कौन सी झाड़ियाँ हैं जिनमें सफ़ेद के अलावा दूसरे रंग के भी फूल आते हैं। तो झाड़ियाँ, जैसा कि झाड़ियों को पहले भी बताया गया, झाड़ियाँ एक छोटे वृक्ष ही होते हैं जिनमें तना बहुत छोटा होता है या तना नहीं होता। ऐसी झाड़ियाँ जिनमें तने जमीन से निकलते हुए नज़र आते हैं, ऐसी झाड़ियों को हम बुश कहते हैं। ये हार्डी नेचर के होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, कठोर होते हैं, काष्ठी होते हैं, इसलिए ये किसी भी गार्डन में फाउंडेशन बनाने के काम आते हैं। इनको हम सर्वरी बॉर्डर के रूप में, हेज के रूप में, हेज के रूप में, फेंसिंग के लिए, एवेन्यू, छोटे एवेन्यू प्लांट के रूप में, रास्ते में या रोड डिवाइडर के बीच में लगाने के लिए, राकरी में लगाने के लिए, कलरफुल रंगीन पत्तियां प्राप्त करने के लिए, फूल प्राप्त करने के लिए, सुगंधित फूल प्राप्त करने के लिए, बोनसाई बनाने के लिए, इत्यादि कामों के अतिरिक्त हम औषधीय रूप से भी झाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी झाड़ियाँ हैं, पहली है जैकोबिनिया या जस्टिसिया, जस्टिसिया कार्निया इसका बोटेनिकल नेम है, या जैकोबिनिया कार्निया भी कहीं कहीं मिलता है, कैंथेसी फैमिली का पौधा है। इसको हम फ्लेमिंगो फ्लावर, वाटर विलो, ब्राजीलियन प्लम, ब्लड ऑफ जीसस इत्यादि नामों से भी जानते हैं। इसका जो जन्म स्थान माना गया वो पूर्वी ब्राज़ील माना गया। ये गर्म शीतोष्ण से लेके उपोष्ण जलवायु में अच्छी तरह पनपता है। ये सदाबहार प्रकृति का पौधा है जो 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसकी पत्तियां गहरी हरी होती हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और इस पौधे में जो फूल आते हैं वो गुच्छे में अग्रस्त भाग में आते हैं। इसके जो फूलों का रंग है वो लाल, पिंक, ऑरेंज, मावी, मैजेंटा, एप्रिकॉट इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। इसकी जो फ्लावरिंग है वो मुख्यतया स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में होता है, वैसे लगभग ये साल भर फूलता रहता है। इसका प्रोपोगेशन हम साफ टूट कटिंग से कर लेते हैं, जो स्प्रिंग और मानसून इसके लिए उपयुक्त समय होता है। इसका उपयोग हम बॉर्डर के रूप में, हेज बनाने के रूप में, पॉट में उगाने के लिए, कंटेनर में उगाने के लिए, स्पेसिमेन श्रब बनाने के लिए उपयोग करते हैं, उगाते हैं। और इसकी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की प्रचुरता होती है, यानी ये ईटबुल होती हैं। औषधि रूप से इनसे हम हर्बल टॉनिक बनाते हैं जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन इत्यादि डिसऑर्डर्स में उपयोगी है। इसका जो लीव का एक्सट्रैक्ट होता है वो लीवर टॉक्सिसिटी में उपयोग होता है, और फ्लावर डिकॉक्शन जो होता है वो एनीमिया में उपयोगी है। अगली श्रब है बर्बेरिस या एशियन बर्बेरी, बर्बेरिस एशियाटिका, बर्बेरिएसी फैमिली का पौधा है। इसकी जड़ें जब हम काटते हैं तो जैसे हल्दी रंगीन निकलती है पीले रंग की, ऐसी इसकी जड़ें भी पीले रंग की होती हैं, इसीलिए हम इसको दरहद्र या दारू हल्दी या दारू हरिद्र या कसमाल या किलमोरा नाम से भी जानते हैं। इसका जन्म स्थान भारत और बर्मा क्षेत्र माना गया है। ये शीतोष्ण जलवायु से लेके उपोष्ण जलवायु में अच्छी तरह पनपता है, सदाबहार पौधा है। कहीं कहीं ये सेमी डेसीडुअस है, यानी जब ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय कुछ बहुत पत्तियाँ इसकी गिर जाती हैं। इसकी जड़ें मोटी होती हैं, राइजोम की तरह होती हैं, ये 2 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है, कांटेदार झाड़ी है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मोटे दल वाली होती हैं, इलिप्टिक होती हैं, 2 से 8 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं। इस ये मार्च से मई यानी गर्मी के मौसम में इसमें फूल आते हैं। जो फूल इसके होते हैं वो हल्के पीले हो सकते हैं या गहरे पीले रंग के आते हैं, और इसके जो फूल पत्तियों के अच्छे में कांटे होते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन है हम बीज से करते हैं, सेमी हार्ड रूट कटिंग से करते हैं। पकने पे इसके फल जामुन की तरह दिखते हैं, यानी बैंगनी रंग के हो जाते हैं, इसलिए हम सुंदर फलों के लिए भी इसको उगाते हैं। इसका उपयोग हम प्रोटेक्टिव हेज बनाने के लिए,
सरवरी बॉर्डर में लगाने के लिए, राकरी में लगाने के लिए, सुंदर फूलों के साथ साथ सुंदर रंगीन फलों के लिए इत्यादि के लिए भी इसे हम उगाते हैं। इसके फल खाए जाने योग्य होते हैं जो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत हैं। औषधि रूप से ये स्टोमेटिक, एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीपीरियाडिक होता है और इससे बर्बेरिन नामक एल्कलाइड भी निकाला जाता है। इसके फल कूलिंग और लग्जेटिव नेचर के होते हैं और जिनमें एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी पाई गई है। अलेमेंडा या गोल्डन ट्रम्पेट या सामान्यतः हम ट्रम्पेट फ्लावर, ट्रम्पेट वाइन के नाम से जानते हैं या बटर कप फ्लावर भी कहते हैं, एलो बेल भी कहते हैं, ये पोसानेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम अलेमेंडा कैथाटिका है। ये गर्म और उपोष्ण जलवायु का पौधा है, सदाबहार पौधा होता है और अगर इसको हम सहारा दे दें तो एक क्लाइंबिंग के रूप में भी ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसके तने में, पत्तियों में, फूलों में, जहाँ भी आप इसको क्रश करोगे उससे मिल्की सैप निकलता है। ये 2 से 5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है, ये यानी बुश टाइप का दिखने लगता है। इसका जो तना होता है वो थोड़ा भूरापन लिए हुए होता है। इसका जो फल है वो कैप्सूल होता है, कांटेदार होता है, जैसे धतूरे का फल दिखता है इसी तरह का इसका भी फल कांटेदार होता है। इसका जो फ्लावरिंग टाइम है मई से अगस्त तक होता है और जो फ्लावर कलर है मुख्यतः येलो होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज या कुछ ऐसी वैरायटीज आ गए जिनमें चॉकलेट कलर के फूल या हल्के पिंक कलर के फूल भी कीप के आकार के आते हैं। इसका प्रोपोगेशन हम बीज से करते हैं या स्टेम टिप कटिंग करके स्प्रिंग और मानसून में कर सकते हैं। इसका जो गार्डनिंग का उपयोग है, इसका पोर्च में लगाने के लिए, ट्रेलिस बनाने के लिए, फेंस बनाने के लिए, हेज बनाने के लिए, स्पेसिमेन के रूप में उगाने के लिए या कहीं ज़मीन को ढकना है तो वहाँ उगाने के लिए उपयुक्त है। इसके जो अगर हर बार टॉक्सिक होता है, इसका जो मिल्क निकलता है वो अगर आपके त्वचा में कहीं टच कर जाता है तो वो इरिटेशन उत्पन्न करता है, लेकिन औषधि रूप से ये एंटी ट्यूमर है। जॉन्डिस, स्प्लेनोमेलेगी, मलेरिया, एंटी फंगल, परगेटिव, वायलेंटली इमेटिक यानी उल्टी करने के लिए इत्यादि के लिए औषधि रूप से ये उपयोगी है। और इसकी पत्तियों का जो इन्फ्यूज़न है वो कैथार्टिक होता है, और लेकिन अगर इसका ज़्यादा हम डोज ले लेंगे तो वो जहरीला हो बन सकता है। इजोरा या सामान्यतः इसको हम रुक्मिणी या इजोरा के नाम से ही जानते हैं, इजोरा काक्सिनिया रूबियेसी फैमिली का पौधा है। इसके अन्य नामों से हम जंगल जिनेरियम, फ्लेम ऑफ द वुड्स, जंगल फ्लेम, पेंडुकुली इत्यादि नामों से भी जानते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी तरह उगता है। ये एवरग्रीन पौधा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट झाड़ी होती है। इसका जन्म स्थान इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही माना गया है। ये 1.5 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग होती है। इसकी पत्तियाँ बहुत गहरी और मांसल होती हैं, लेदरी होती हैं। इसमें जो फ्लावरिंग टाइम है वो अप्रैल से सितंबर में अच्छी फ्लावरिंग आती है। इसमें छोटे ट्यूबुलर आकार के ऑरेंज से लेके रेड, येलो, पिंक कई तरह के पुष्प आते हैं। इसकी जो फल बनते हैं वो बेरी होते हैं जो पकने पे चेरी की तरह लाल दिखते हैं, जिनमें 2 से 3 बीज पाए जाते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन है वो स्टेम कटिंग से और बीज से करते हैं। यूटिलिटी जो इसका है वो गार्डन में इसको हम हेज बनाने के लिए, क्यारी में उगाने के लिए, स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए और फोलियज प्लांट के रूप में या सड़क के बीच के मीडियन में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है। इसके फल खाने योग्य होते हैं। उससे इसके लगभग सभी भाग औषधि रूप से गुणकारी होते हैं, जो एनाल्जेसिक होते हैं, डायूरेटिक होते हैं, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक, सेडेटिव, गोनोरिया, ल्यूकोरिया इत्यादि में
उपयोगी हैं। ये इसके फ्लावर और रूट ट्रैंक्विलाइजर का काम करते हैं। इसमें जो फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः अर्सोलिक एसिड और ओलिनोलिक एसिड मुख्य घटक होते हैं। अजेलिया या रोडोडेंड्रॉन, सामान्यतः हम उनको ऐसे पौधों को रोडोडेंड्रॉन के नाम से ही जानते हैं। ये रोडोडेंड्रॉन नेपाल का स्टेट फ्लावर भी है और इसे हम रॉयल्टी ऑफ द गार्डन कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। इसका बोटेनिकल नेम रोडोडेंड्रॉन ल्यूटियम है, जिसको हम हनी सकिल अजेलिया कहते हैं, और रोडोडेंड्रॉन इंडिकम को साउथ इंडियन अजेलिया कहते हैं। सामान इरिकेसी फैमिली का पौधा है। सामान्यतः येलो अजेलिया, पिंक सेल अजेलिया, लाल बुरांस, रोज ट्री, मिल्कवीड, सिल्कवीड, ब्लड फ्लावर इत्यादि नामों से इस पौधे को जानते हैं। इसका जन्म स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका से लेके जापान तक माना गया है। ये अलग अलग स्पीसीज का हैबिटेट, ये जो इसका है वो ठंडी जलवायु और उपोष्ण जलवायु में ये अच्छी तरह उगता है। ये एवरग्रीन पौधा है, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज हैं जो जिनको हम एक ग्रुप होता है पेंटेंथेरा, इसका वो डेसेजुअस टाइप का होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गहरी हरे रंग की होती हैं। ये बहुत ही घनी झाड़ी है, 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इसकी जो टहनियाँ हैं वो हल्के लाल भूरे रंग की होती हैं और रोएदार होती हैं। बहुत ही स्लो ग्रोइंग है पौधा है। इसमें फूल फरवरी से जुलाई तक आते हैं, लेकिन ठंडे स्थानों में इसमें मई से जून तक इसमें फूल आते हैं। इसका जो फल होता है वो ड्राई कैप्सूल होता है और इसमें विभिन्न रंग के फूल आते हैं, जिनमें पिंक, रेड, वाइट, ऑरेंज, पर्पल, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरह के फूल आते हैं जो पत्तियों के अच्छ से निकलते हैं। प्रोपोगेशन मेथड इसका जो है वो मुख्यतः सीड से होता है। साफ टूट कटिंग से वो कर लेते हैं, लेयरिंग से, ग्रेफ्टिंग से, इत्यादि तरीके से हम इसका प्रबंधन करते हैं। और जो प्रोपोगेशन का टाइम है मुख्यतः जून से सितंबर तक। यूटिलिटी, ये गार्डन के लिए बहुत ही वंडरफुल श्रब है, इसीलिए हमें रॉयल्टी ऑफ द गार्डन के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिमेन के रूप में कंटेनर में उगाने के लिए, बॉर्डर्स में उगाने के लिए, हेज बनाने के लिए इसके फूल हम फ्लोरल अरेंजमेंट में उपयोग करते हैं, ड्राई फ्लावर बनाने के लिए। और इसके जो फूलों से नेक्टर बहुत आता है, इसलिए इसको मधुमक्खियाँ बहुत पसंद करती हैं। औषधि रूप से इसकी टहनियाँ और पत्तियाँ एंटी HIV होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। इनका उपयोग इलनेस, सर दर्द, डायबिटीज, रूमेटिज, हिपाइटो प्रोटेक्टिव के रूप में उपयोग करते हैं। और इसमें फेनोलिक कंपाउंड, सेपोनिन इत्यादि की प्रचुरता होती है, लेकिन अगर इसका हम अधिक उपयोग करें तो ये कई बार टॉक्सिक हो जाता है। जैक फ्रूट चंपा या हरी चंपा, आर्टोबाट्रिस ओडोरेटिसिमस एनोनेसी फैमिली शरीफा कुल का ये पौधा है। इसको हम टेल ग्रेप, कराथी चंपा, मधमंती, कटीली चंपा, नाग चंपा, मनोरंजिनी इत्यादि नामों से भी जानते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है, जो सदाबहार पौधा है। इसका जो तना है वो उडी होता है, चिकना होता है। इसको समय समय पर प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये क्लाइंबिंग टाइप की बुश है जो 2 से 3.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इसकी पत्तियां पत्ती नैरो और एलिप्टिकल होती हैं। पत्ती का जो अग्रस्त भाग है वो बहुत नुकीला होता है। इसके फल 2 से 3 सेंटीमीटर आकार के होते हैं, जो गूदेदार होते हैं, और जिस समय फलते हैं उसमें येलो रंग आ जाता है। जो बीज आते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। इसका फ्लावरिंग टाइम सामान्यतः साल भर होता है। इसमें जो फ्लावर आते हैं वो ग्रीन कलर के आते हैं, धीरे धीरे पुराने होने पे ये पीले रंग के होने लगते हैं, यानी बाई कलर के फ्लावर सामान्यतः इसके ड्रूपिंग नेचर के होते हैं, नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, पत्ती के अच्छे से निकलते हैं। जो पुराने फ्लावर में
पीला रंग आ जाता है। इसका जो प्रोपोगेशन मेथड है मुख्यतः बीज से, लेयरिंग से और कटिंग से करते हैं, और स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन इसके प्रबंधन के लिए उपयुक्त समय है। इसका उपयोग स्क्रीनिंग पर्पज के लिए, ग्राउंड कवर करने के लिए, सेंटेड फ्लावर प्राप्त करने के लिए, इसेंशियल आयर प्राप्त करने के लिए, और इससे हम टी को भी फ्लेवर देते हैं। फ्लोरल ऑयल भी बनता है क्योंकि इसके फ्लावर फ्रेग्रेंट होते हैं। इसके फूल में बेंजाइल एसीटेट, ऑयल में बेंजोएट, लिनालूल इत्यादि कंपोनेंट पाए जाते हैं। औषधीय रूप से एंटी डिप्रेसेंट है, एंटीसेप्टिक है, एफ्रोडीसियाक, हाइपोटेंसिव, मूड एलिवेटर, इमोलियंट, एंटी वोमिटिंग इत्यादि के रूप में उपयोगी है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी कम करने में इसका उपयोग है। कामल कैमेलिया या रोज ऑफ विंटर, ये अलाबामा का स्टेट फ्लावर है। कैमेलिया जैपोनिका इसका वानस्पतिक नाम है। थीएसी फैमिली का पौधा, यानी जिस कुल की आपकी चाय होती है उसी कुल का पौधा है। इसको जापानीज कैमेलिया भी कहते हैं, सुबाकी कहते हैं, गार्डन कैमेलिया भी कहते हैं। इसका जन्म स्थान चाइना जापान रीजन है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। चौड़ी पत्ती वाला पौधा है, सदाबहार पौधा होता है, और ये एकदम खुली धूप के बजाय थोड़ी छाया में अच्छा होता है, और जहाँ पे अम्लीय भूमि होती है वहाँ पे अच्छा होता है। ये 1.5 से 6 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। पत्तियाँ बहुत गहरे रंग की होती हैं और किनारे इसके सेरेटेड होते हैं। फ्लावरिंग टाइम फरवरी से मई, पहाड़ी एरिया में और सब ट्रॉपिकल एरिया में, जाड़े के आखिरी दिनों से लेके समर अर्ली तक इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके जो फल होते हैं वो कैप्सूल प्रकार के होते हैं, जो जिसमें 4 या 5 हिस्से पाए जाते हैं। इसमें प्रत्येक हिस्से में 1 से 2 बीज होते हैं। इसमें डबल फ्लावर आते हैं जो व्हाइट हो सकते हैं, रिंग रेड, पिंक, येलो, लेवेंडर, अलग अलग कलर के फूल आते हैं जिनका आकार 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इसका प्रोपोगेशन हम साफ टूट कटिंग से करते हैं। अगर साफ टूट कटिंग हम अलग प्रोटेक्टेड कंडीशन में लगा दें मिस्ट प्रोपोगेशन के रूप में, तो रूटेड कटिंग से इसका प्रोपोगेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है लेट स्प्रिंग और अर्ली समर में। इसका उपयोग हम गार्डन में सुंदर फूल प्राप्त करने के लिए, लान के बीच में लगाने के लिए, बॉर्डर में लगाने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए, हेज बनाने के लिए, स्पेसिमेन ट्री के रूप में उपयोग करते हैं। और इसकी जो पत्तियां, उससे हम चाय भी बना के पी सकते हैं, यानी चाय का भी स्वाद इनकी पत्तियों से आता है। इससे हम कैमेलिया टी या टी ऑयल निकालते हैं, जिसको हम जापान में सुवाकी नाम से जानते हैं, जो स्वीट होता है, सीजनिंग होता है। इससे इसके फूलों से शरबत बनाया जाता है। औषधि रूप से एंटी कैंसर एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। इसके फ्लावर्स एस्ट्रिंजेंट, हीमोस्टेटिक, एंटीवायरल, एंटी हेमोरेजिक होते हैं। ये बर्न्स और स्काल्ड में उपयोगी पौधा है। इसमें फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, उसमें क्वेस्टिन, किम्फेराल एंड सेक्सा गुलेरिटिन नामक केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। चाइनीज लैंटर्न, स्लीपिंग हिबिस्कस या अचैनिया, सामान्यतः इसे हम बेल गुड़हल के नाम से जानते हैं, जिस फायर क्रैकर, जुबा कुसुम, लेडीज टियर ड्रॉप, वैक्स मेलो इत्यादि नामों से जानते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम अचैनिया मालवे विस्कस या मालवे विस्कस आर्बोरियस है। ये गुड़हल कुल का ही पौधा है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में खूब हो जाता है। इसका जन्म स्थान साउथ ईस्ट अमेरिका या मैक्सिको माना गया है। ये ज़्यादातर तो सदाबहार होता है, लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ने पे सेमी डेसिडुअस से या ऊपरी कुछ पत्तियाँ गिर जाती हैं। ड्रॉट टॉलरेंट होता है। ये 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। स्प्रेडिंग नेचर का होता है, और अगर इसको सहारा दे दिया जाए तो ये कई मीटर ऊपर तक क्लाइम कर जाता है। इसकी पत्तियाँ अल्टरनेट रूप में निकलती हैं, गहरे रंग की होती हैं और हल्की हेयरी होती हैं, 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये लगभग साल भर इसमें फूल आते रहते हैं, और इसकी लगातार कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है।
इसका जो फ्लावर कलर है मुख्यतः डार्क रेड या पिंक कलर के आते हैं, कुछ स्पेसीज या कुछ वराइटीज़ में ऑरेंज कलर के भी फूल आते हैं जो नीचे को लटके हुए रहते हैं। इसका फल सीजोकार्प होता है, लेकिन रियली फ्रूटिंग श्रब है, इसमें फल नहीं आते। इसका प्रोपोगेशन हम कटिंग से करते हैं या सीड से कर सकते हैं, मुख्यतः स्प्रिंग और समर सीजन या रेनी सीजन इसका उपयुक्त समय होता है। ये हम गार्डन में इसके सुंदर फूलों के लिए, पार्क गार्डन मास इफेक्ट बनाने के लिए, और क्योंकि थोड़ी छाया में भी आसानी से उग जाता है, इसलिए बड़े वृक्षों के नीचे उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा। इसमें जो हमिंग बर्ड होती है वो बहुत आती हैं, इसमें इसके फूलों में नेक्टर बहुत होता है, इससे हर्बल टी बनाते हैं। औषधि रूप से इसके फूल डायरिया, चेस्ट पेन इत्यादि में उपयोगी हैं। पत्तियाँ इमोलिएंट होती हैं, सोलेन ब्लैडर और हाई फीवर में उपयोगी हैं। ये हिपैटो प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। इसमें जो फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं उसमें फिनोलिक्स कैफिक एसिड होता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं अगर उसको हम पेस्ट के रूप में उपयोग करें तो वुंड रैशेज स्वेलिंग ब्रूसेज इत्यादि में उपयोगी हो। धन्यवाद, आशा है ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अब अगले एपिसोड में कुछ और सुंदर ऑर्नामेंटल शब्द के साथ मिलेंगे। नमस्कार।